लगता है गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरस से शादी रचाने के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा के अच्छे दिन आ गए हैं। वे जल्द ही एक बार फिर अपने नए शो के साथ छोटे पर्दे पर जोरदार वापसी करने वाले हैं। हाल ही में उनके शो में बतौर गेस्ट एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि पूरी स्टार कास्ट पहुंची थी। बता दें कि अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर के साथ पहुंचे और राजकुमार राव की सरप्राइज एंट्री हुई। इस दौरान राजकुमार राव से कपिल शर्मा ने पूछा, आपने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, क्या मेरे बारे में कुछ बातें हुई? राजकुमार का जवाब सुनकर कपिल ने नेशनल टेलीविजन पर पीएम नरेंद्र मोदी से माफी मांगी। दरअसल राजकुमार राव ने कहा कि कपिल, जब मैं पीएम मोदी जी से मिला तो वो आपके बारे में काफी नाराज हो रहे थे, सुना है आपने कोई ट्वीट कर दिया था। इस पर कपिल ने कहा, अरे वो तो बहुत पुरानी बात है, ट्विटर नाम की परेशानी, उसके लिए सॉरी मोदी जी। इस दौरान शो में जज की कुर्सी पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कपिल की चुटकी लेते हुए कहा, रात में 12 बजे ट्वीट करने का यही नतीजा होता है। इस पर कपिल ने सिद्धू की चुटकी लेते हुए कहा, अरे मेरा क्या, आप भी तो पाकिस्तान गए थे। कपिल शर्मा का इतना बोलना था कि मंच पर मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बता दें कि साल 2016 में कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे हमला बोला था। कपिल शर्मा ने कहा था कि वह हर साल सरकार को 15 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं, फिर भी मुंबई में अपने ऑफिस के लिए उन्हें बीएमसी को 5 लाख रुपए की घूस देनी पड़ेगी। ये हैं आपके अच्छे दिन। कपिल ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को भी टैग किया था। इस ट्वीट के बाद जमकर हंगामा हुआ था। बीते शो में कई बार कपिल शर्मा के इस ट्वीट का मजाक उड़ाया गया।